बाड़मेर शहर के शास्त्री नगर के बाशिंदे एक भूखंड मालिक के मनमाने रवैये का दंश भोग रहे हैं। दरअसल वार्ड संख्या 22 में एक व्यक्ति द्वारा अपने दुधारू पशुओं को चार दीवारी में ना रखकर बीच सड़क पर बांध रखा है। इससे इस बरसात के मौसम में इन गलियों से निकलना भी दूभर हो गया है। सड़क के बीचों बीच फैली गंदगी से बदबू और मच्छरों ने लोगों को परेशान कर दिया, तो पशुओं के कारण गलियां भी बंद हो गई है। इसी समस्या को लेकर बुधवार को मोहल्ले के कई महिला पुरुष नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। बाड़मेर जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर के बाशिंदों के लिए एक स्थानीय डेयरी भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। दरअसल शास्त्री नगर में एक आवासीय भूखंड और बाड़े में दल्लाराम खेमाराम 20 से 25 गायों को पाले हुए है और इन गायों का दूध वो अपने स्तर पर बेचता है, लेकिन उसकी सभी गायें निजी बाड़े में नहीं बल्कि इलाके की गलियों में घूमती रहती हैं। इसके चलते इधर उधर गोबर और गंदगी बिखर जाती है। इस डेयरी की वजह से इलाके की 4-5 गलियों में गंदगी का अंबार है। लोगों ने समस्या से स्थानीय पार्षद बांकाराम को भी अवगत करवाया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या समाधान नहीं निकल पाया, जिसके बाद बुधवार को स्थानीय लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य से मुलाकात की और इस पूरे मामले और समस्या से आयुक्त को जल्द छुटकारा दिलवाने का अनुरोध किया। लोगों के मुताबिक उन्हें दल्लाराम के गौवंश से कोई परेशानी नहीं है, बस उन्हें वो अपने बाड़े में रखे। गायों के इधर उधर घूमने से गंदगी और फैले गोबर ने उनके हाल बेहाल कर रखे हैं। क्या समस्या? समस्या ये है कि इधर हमारे बगल में एक व्यक्ति रहता है मोहल्ले में, वो कम से कम 10-15 गायें और भैंसे रखता है और वो अपने पड़ी मैसेज के अंदर ना रख कर उसको गायों को सड़क पे छोड़ देता है और वहीं पे वो सारा कुछ मल वगैरह करती है। उससे इतना कचरा फैल गया है कि जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं वो भी सफाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और उस गंदगी की वजह से रहना भी दुर्भर हो गया है। कम से कम हमारे 15-20 परिवारों का घर है, मकान है, वहाँ पे आसपास सभी परेशान उस व्यक्ति से। आज हम आयुक्त साहब के पास आए हैं अपनी कंप्लेन लेकर कि वो सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। कम से कम 20-30 साल हो गए हैं उस व्यक्ति को वहाँ रहते हुए, समझाइश भी कर चुके हैं उसको, बोल भी चुके हैं और उनके घर में प्रॉपर शौचालय भी नहीं है और वो बाहर भी शौच करते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ और वगैरह बीमारियाँ फैल रही हैं। तो कौन है व्यक्ति? व्यक्ति का नाम है दल्लाराम है। ठीक है, क्या बोला आयुक्त साहब ने? आश्वासन दिया है कि शाम तक हो सकता है कि कार्रवाई का हमको आश्वासन दिया है। शास्त्री नगर की निजी दूध डेयरी ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। सड़क पर घूमती गायों की वजह से लोगों को जहां आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गोबर के कारण फैली गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बहरहाल लोगों ने अपनी समस्या से नगर परिषद को वाकिफ करवा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि नगर परिषद शास्त्री नगर के बाशिंदों को कब तक इस समस्या से छुटकारा दिला पाती है।